ये सारे टीवी चैनल को जो टास्क दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल के आते हैं ना। हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ लेना चुनाव। चुनाव तो सारे जो एंकर है ना, ये लड़ेंगे चुनाव सारे। 1,150-1,750 मौतों की शहादत है, उसका श्रेय भी तो इन्हीं को देंगे हम, सब इन्हीं को जाएगा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद से ये मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बनने लगा। मीडिया ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए राकेश टिकैत का इंटरव्यू लिया। इस वीडियो में देखते हैं कैसे राकेश टिकैत ने गोदी मीडिया के सवालों पर करारे जवाब दिए। किसानों की अगली रणनीति जानने के लिए न्यूज 18 पर राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने किसान आंदोलन के बारे में राकेश टिकैत से सवाल किया, जिस पर जब वे जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें टोका और सवालों में घेरने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत ने एंकर को सुना दिया। और समाधान इसलिए जरूरी है कि जनता देश की परेशान हो रही है। पिछले एक साल से आपने उन इलाकों के लोगों को लगभग बंधक बना रहे हैं कि समाधान निकल। अरे हमने तो कल भी चिट्ठी भेजी उनको, समाधान निकलना चाहिए। डिमांडे बढ़ाकर बात तो करें ना टेबल में बैठ के, वो तो वे बताएंगे ना डिमांड छोटी है या बड़ी है। ये सारी डिमांडे थी, वो कमेटी की भी बात हुई, वो तो जब सरकार बैठेगी तो उसको बता देंगे, वो जवाब दे देगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टास्क दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल के आते हैं और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है। बातचीत में कोई तैयार नहीं है। एक बार भारत सरकार के मंत्री देखिए, आपको राकेश भाई मेरा आपसे परिचय आज का तो है नहीं, शायद 15-20 साल पुराना है। आपको शायद मीडिया ने पिछले एक साल में जितना दिखाया होगा तम उतना नहीं दिखाया। आप भी अपनी बात को रखते रहिए, आप अपने दिल की बात को रखिए, हम भी अपना सवाल पूछते रहेंगे। टाइम्स नाउ पर प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों के वापस लिए जाने वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की गई। इस इंटरव्यू में एंकर ने राकेश टिकैत से चुनावों को लेकर सवाल करना शुरू किया, जिस पर राकेश टिकैत ने सुना दिया। चुनाव लड़ने का कोई फैसला किया है? 2007 में आपने कांग्रेस की सरकार की समर्थन लेकर लड़ा था, तो इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? ना हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ लेना चुनाव। चुनाव तो सारे जो एंकर है ना, ये लड़ेंगे चुनाव सारे। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो ये लड़ेंगे। सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। आप खुद आओगे चुनाव का टिकट, किस किस को लड़ना हो बताइयो। नहीं नहीं, आप ले लो उसका प्रसाद। तो आप तो बात करना नहीं चाह रहे थे ना। मैं ये सरकार से बात करना ही नहीं चाह रहे थे। नहीं नहीं, क्यों नहीं करना बात चाह रहे? हम बात करना चाह रहे, करवाओ आप बात। नहीं तो इतनी बार सरकार ने आपको बुलाया, देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आपसे बिना पूछे उन्होंने कानून वापस कर दिए। आप बीमारी है आपको तो बात करने की, आप सुन तो लो पहले, आप सुनो पहले, पता है नहीं। आज तक पर हुए इंटरव्यू में राकेश टिकैत से अंजना ओम कश्यप ने कृषि कानूनों को लेकर सवाल किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। इस इंटरव्यू में आगे अंजना ने राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, तो इसका राकेश टिकैत ने भी करारा जवाब दिया। पर एक नजरिया ये भी तो हो सकता है कि सलाहकारों ने सूझबूझ के साथ कुछ ऐसा प्रधानमंत्री से करने को कहा जिससे किसान नेताओं की जो नेतागिरी है वो रुक जाए। प्रधानमंत्री ने सीधा किसानों के लिए किया, आप लोग जब तक बातचीत करते रहे, आप लोगों को एक तरह से श्रेय नहीं देते हुए पीएम ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, ऐसा भी तो मुमकिन है। मतलब यहाँ श्रेय लेने की बात है, 750 किसान शहीद हो गए, यहाँ पे श्रेय की बात हो रही? हमने तो कहा कि ये मौत पे शहादत पे भी ये श्रेय लेते हैं। भाई श्रेय तो सारा ही लेंगे ना, जो 11 महीने का, जो 12 महीने का जो क्रम कांड हुआ, 1,150-1,750 मौतों की शहादत है, उसका श्रेय भी तो इन्हीं को देंगे हम, सब इन्हीं को जाएगा। सब पूरा क्रेडिट ये बिल वापसी का, जो कानून वापसी हुए हैं, इसका पूरा श्रेय, वो मुकदमे, ये जो भी घटनाक्रम हुए, 750 शहीद, ये सारे के सारे हम क्रेडिट पूर्ण रूप से भारत के प्रधानमंत्री को ही देते हैं अपनी तरफ से। इंडिया टीवी पर भी इसी मुद्दे पर पत्रकार ने राकेश टिकैत से बात की। एंकर ने राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, जिसका राकेश टिकैत ने सही से जवाब दिया। तो MSP पे गारंटी कानून बने और MSP पे गारंटी कानून क्यों ना बने, आप ये बताओ हमको। तो इस पे तो संसद में चर्चा होगी ना टिकैत साहब, ये बात तो सड़क पर तय नहीं हो सकती ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो चर्चा क्यों नहीं अब तक हुई? 7 साल में जब से ये सरकार आई और उन्हें कह के आए थे कि हम इस पे गारंटी कानून बनाएंगे, हम C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, आप वो लागू करवा कर वो दे दो, तो कितने लाख करोड़ का किसानों को अभी नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कर दो।
तो सरकार ने तो एमएसपी पर चर्चा के लिए अपने 11 दौर के बातचीत में कई बार पेशकश की कि आइए बैठते हैं, बातचीत करते हैं। आपने कहा कि नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, कभी उन्होंने एमएसपी पर चर्चा नहीं करी। उन्होंने कहा था कि पहले 3 कानूनों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में सेकंड उस पर एमएसपी पर बातचीत करेंगे। तो 3 कानून वापसी हो गए, अब एमएसपी पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। आप राकेश टिकैत इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।